गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। आज हम हमारे मानवीय पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जो मानवीय पर्यावरण है वो किस तरीके से मानव ने इसको अपना एक उपयोगी संसाधन बनाया, किस तरीके से इसको यूज में लिया, किस तरीके से हमारे पर्यावरण में परिवर्तन किया, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, अर्थात पर्यावरण के साथ में क्या करता है, अंतर संबंध बनाता है, उसके साथ में पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। अर्थात मानव की जो जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं के अनुसार वो हमारे पर्यावरण में क्या करता है, परिवर्तन करता है, ठीक है। जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त में पर्यावरण प्राप्त हुआ है उसमें क्या करता है, वो बदलाव करता है, परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया, अर्थात इसका मतलब ये है कि जब प्राचीन समय में मानव यहाँ निवास करता था तो उसने अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया, पर्यावरण के अनुसार वो रहने लग गया। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। अर्थात प्राचीन समय की बात करें, हम प्राचीन मानव की बात करें तो बिल्कुल जो उसको रहने का तरीका था, खान पान था, वो बिल्कुल सरल था, उसका जो जीवन था वो बिल्कुल सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी वो आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। अर्थात जैसे जंगल में रहता था तो जंगल से जो उत्पाद प्राप्त होते थे उनका वो उपयोग करके और एक तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएँ बढ़ी। अब देखिए, जो मानव जीवन है उसमें क्या है, समय समय पर अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो परिवर्तित होती रहती है। तो समय जैसे जैसे गुजरा तो मानव की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए। मानव ने क्या किया, धीरे धीरे जो पर्यावरण का उपयोग है वो किस किस तरीके से किया जाए, किस किस तरीके से अपने जीवन को और सुगम बनाया जाए, इसके लिए उसने क्या है, अलग अलग तरीके से परिवर्तन उसमें किया और अनेक तरीके भी सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना, फसल पशु पालना और स्थायी जीवन जीना उसने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब यह है कि प्राचीन समय की बात करें या हम आदि मानव की बात करें तो उसके जीवन में ये सब कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, इसमें परिवर्तन किया। सबसे पहले उसने फसल उगाना शुरू कर लिया, फिर पशु पालना शुरू कर लिया और इसके बाद में तो इसके बाद में क्या है कि जैसे प्राचीन समय की बात करें तो फसल नहीं उगाता था, पशु नहीं पालता था और स्थायी जीवन भी उसका नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसने पशु पालना शुरू कर दिया, फसलें भी उगाई खाद्यान्न के रूप में, इसके अलावा उसने झोंपड़ी बनाकर स्थायी जीवन अपना जीवन शुरू कर दिया। पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो परिवहन का जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई, कई प्रकार से आविष्कार हुए और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। अर्थात जो उसकी आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं से भी ज़्यादा उसने अन्न प्राप्त किया, फसलें उगाई और उनके माध्यम से जब ज़्यादा जब फसल प्राप्त हुई तो उसको उसने क्या है, बेचा, अर्थात विक्रय किया उसका और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। इसका मतलब ये है कि प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। देखिए दो प्रकार से होता है, एक तो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली और एक होती है मुद्रा विनिमय प्रणाली। वर्तमान समय की बात करें तो मुद्रा विनिमय प्रणाली है और प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है। तो इसका ये हुआ कि जो प्राचीन समय था उसमें क्या था कि जैसे हम कह सकते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु देकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था, वस्तु के बदले वस्तु देकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। और हम वर्तमान समय की बात करें तो कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका हम मूल्य प्रदान कर देते हैं, मूल्य दे देते हैं, उसको हम मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो प्राचीन समय में क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तु देकर आवश्यकताओं को पूरा करते थे। व्यापार आरंभ हो गया, लोग व्यापार करने लग गए, साथ ही वाणिज्य का विकास भी हुआ
औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है बेटा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है, और औद्योगिक क्रांति में क्या होता है, मशीनों की सहायता से ज़्यादा और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। दिन प्रतिदिन जो उद्योग धंधे होते हैं उनमें क्या होता है, संघर्ष चलता है, एक तरीके से हम कहें कंपटीशन होता है, और वस्तुओं का जो निर्माण है वो मशीनों की सहायता से ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको हम बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, परिवहन के जो साधन है उनका भी विकास हुआ, बहुत तेज गति से हुआ। और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में जो संचार है वो सहज हो गया और द्रुत हो गया, अर्थात कोई भी जो समाचार है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से जल्दी से पहुंचा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम हमारे विचारों को, सूचनाओं को अगर पहुंचाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे संचार के साधन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इनके माध्यम से क्या है कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए कि क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका कारण ये है बेटा कि जैसा मौसम होता है उस मौसम के अनुसार ही हम क्या करते हैं, अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, मौसम के अनुसार ही जो हमें वो एक तरीके से व्यवहार करते हैं। देखिए जैसे सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में हम अलग तरीके से रहते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और हम अपने आप को ठंड से बचाते हैं। बात गर्मी की करें तो गर्मी में हम क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनकर हम क्या करते हैं, अपने आप को गर्मी से बचाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पर्यावरण में अपने आप को ढालते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, अर्थात हमारी प्रकृति और जो मानव है इन दोनों के जो पर्यावरण है इनमें क्या है, संतुलन होना आवश्यक है। जब ये संतुलन होता है तो हम क्या करते हैं, अच्छी प्रकार से अपना जीवन गुजारते हैं। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, अर्थात मानव को पर्यावरण के साथ एक तरीके से समरसता या सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए और उसका उपयोग करना भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने मानवीय पर्यावरण पढ़ा। इसके बाद में ये कुछ शब्दावलियाँ हैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली, आपको मैंने बताया था अभी, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वस्तुओं की अदला बदली, इसमें लिख रहा है ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, अर्थात अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो वस्तुओं के बदले वस्तु देकर हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। वस्तुओं के बदले वस्तु को देकर हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके बाद में देखिए प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है, 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा, कल आपको मैंने बता ही दिया था कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके घटक कौन कौन से हैं, जैविक क्या है, अजैविक क्या है, इन सब के बारे में बताया था। देखिए इसके बाद में ये पारितंत्र, देखिए पारितंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिससे वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध। और सीधे शब्दों में हम कहें, अगर हम इस शब्दावली को छोड़कर सीधे शब्दों में ये कहें तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि जैविक तथा अजैविक जो घटक होते हैं पर्यावरण में, जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनका जो पारस्परिक अंतर संबंध पाया जाता है, पारस्परिक अंतर संबंध जो पाया जाता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, अर्थात पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटकों का पारस्परिक अंतर संबंध जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं या पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो पर्यावरण जो शब्द है वो इन्वायरमेंट, अंग्रेजी का शब्द है इन्वायरमेंट,
इस सब से हुई है। और ये जो शब्द है ना, ये फ्रेंच शब्द से बना है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, उससे बनाया गया है, जिसका नाम है एनवायरोनेर। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। इसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। अर्थात एनवायरोनेर शब्द का अर्थ क्या हुआ? पड़ोस। और पर्यावरण जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? एनवायरमेंट से बना हुआ है। और एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति भी फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है, जिसका नाम है एनवायरोनेर। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखा हमने। जैविक अजैविक आपको बता ही दिया था मैंने, सजीव और निर्जीव होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में मैंने मानव ये जो पर्यावरण के घटक हैं बताए थे, जिसमें प्राकृतिक बताया था, जल वायु स्थल, मानव निर्मित में बताया था मैंने आपको इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, ठीक है, स्मारक, उद्योग, मानव में बताया। तो फिर मैंने आपको जैसे एक व्यक्ति है, परिवार होता है, समुदाय होता है, धर्म होता है, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति होती, इन सब के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। इसके बाद में देखिए, तो इस तरीके से हमने ये पर्यावरण से संबंधित जो तथ्य थे इनका अध्ययन किया है। ओके।